नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश और सर आप हमारे चैनल पर लगातार बस्तर सीरीज देख रहे हैं और बस्तर सीरीज में हम आपको दिखा रहे हैं बस्तर का डेवलपमेंट। आज तक आपने देखा होगा कि बस्तर में कुछ अलग तरह के वीडियो देखे होंगे, लेकिन हमारे चैनल में देख रहे हैं कि बस्तर में जो होता है देश के किसी और हिस्से पर नहीं होता है। हमेशा बस्तर ऊंचाइयों को छूता रहा है, इतिहास में भी और आज भी छू रहा है, और अलग तरह के फसलों के लिए बस्तर अपनी पहचान बनाया है। और ऐसे ही अलग तरह के फसलों के उत्पादन के लिए बस्तर से जो नाम जाना जाता है वो शख्स हमारे साथ बैठे हैं। सर का मैं परिचय लेता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका परिचय जी। मेरा नाम राजाराम त्रिपाठी है। हाँ सर। और मैं बस्तर में ही पैदा हुआ, पला बढ़ा हूँ। अच्छा सर जी, तो बस्तर में सर कहाँ से हैं, बेसिक कहाँ से हैं? देखिए बस्तर अब तो 6 जिले हो गए। पहले जब बृहद बस्तर था, मध्य प्रदेश में था, तो समग्र बस्तर में अभी दरभा विकास खंड है। दरभा विकास खंड में ककदार नाम का एक गांव है, वहीं के हम रहने वाले हैं। मेरे माता पिता अभी भी वहाँ रहते हैं और खेती हम लोग करीब 9 जगहों पर करते हैं। हम लोग 7 भाई हैं और करीब 400 आदिवासी परिवार मिलकर कर रहे हैं। सर ये वही दरभा है जो झीरम और दरभा वाले बीच का ही दरभा है? बेशक वही कुख्यात दरभा है जो झीरम घाट के लिए हत्याकांड के लिए जाना जाता है। और जिस जगह ये घटना हुई थी, हम दरभा स्कूल से मैं जब परीक्षा के लिए गए थे तो वहाँ तक हम लोग खाना बनाने के लिए, हम स्कूली छात्र थे 8वीं में, लकड़ी बिनने जाते थे जहाँ कांड हुआ है। अच्छा जी। मतलब एकदम आम जगह है जी। और मैं भी जाने से पहले संकोच कर रहा था, जब पपीता की खेती कवर कर रहा था तो उस फार्मर ने कहा आपको क्या संकोच है, आप जाइए वहाँ पे, कुछ नहीं है। तो मैं गया और बहुत हमने पपीते की खेती दरभा से शूट की। अच्छा सर, ये आप बता रहे थे कि हम जहाँ बैठे हैं इस ऑफिस में, कभी APJ अब्दुल कलाम सर आए थे? देखिए ऑफिस तो नहीं, जो हमारा खेत है। अच्छा। जो जहाँ हम हर्बल खेती करते हैं सड़क के किनारे है। हाँ, जो हमने तो जी जब कलाम साहब DRDO के अध्यक्ष थे। अच्छा, तो बकाउंड से वहाँ जहाँ ऑफिस है वहाँ से हमेशा आते जाते थे। रास्ते में हमारा फार्म है। अच्छा। तो हर्बल की खेती का बोर्ड लगा था तो कलाम साहब भी आए। फिर जब छत्तीसगढ़ बना तो मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी आए फार्म पे, वो तो कई बार आए। फिर गवर्नर साहब थे, पहले गवर्नर दिनेश चंदन शाह जी, वो आए। भारत सरकार के उस समय जो वैज्ञानिक प्रमुख सलाहकार थे डॉक्टर नटेशन जी, वो आए थे। इस तरह से देश और विदेश के मंत्री और काफ़ी लोग यहाँ पे आते रहते हैं। अच्छा। और अभी तो किसानों का दल प्रतिदिन कम से कम 3 से 4 दल आता है और जैविक खेती और औषधि खेती को देखता है। अच्छा, खेतों को तो हमने कवर किया अलग से। सर हम आपसे इस वीडियो पर प्रोडक्ट को समझना चाहेंगे और प्रोडक्ट जो फॉरेन पे सप्लाई होती है उसको समझना चाहेंगे। तो सर आप प्रोडक्ट को दिखाते हुए अगर हमको समझाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बेहतर। ये सर सारे अवार्ड हैं जो हम देखें। ये समय समय पे पिछले 25 सालों में की यात्रा में जो हम लोगों ने कुछ काम किया तो हमारी जो फीट समाज ने थपथपाई, कुछ अवार्ड्स मिले, वो है। चीज़ें हैं जी। ओके सर, ये है। और ये सर ये हम जो देख रहे हैं ये वाला, ये फार्म का डिटेल है क्या सर, ये वाला? ये जो है छत्तीसगढ़ में विशेषकर बस्तर क्षेत्र में जो हमारी खेती हो रही है अलग अलग जगहों पे। अच्छा। तो ये रोजनामचा होता है कि आज किस फार्म में क्या काम हो रहा है। ओके, आज की तारीख पे जैसे सबसे ऊपर आप देखेंगे दिनांक, सबसे ऊपर देखिएगा 26 तारीख। छब्बीस तारीख। हाँ सर जी। इसमें आज चूंकि नजदीक के फार्म पे आपका विजिट था तो आपका भी नाम आपका भी नाम लिखा हुआ है जी। उसके बाद सेकेंड हाफ में पत्रकार परिषद के अध्यक्ष जमील खान जी आए थे, उनका नाम लिखा हुआ है। और अलग अलग फार्मों में क्या काम हो रहा है उस पे लिखा। ये अभी जो आप कह रहे हैं जो प्रोडक्ट है यहाँ बनते हैं। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में हर्बल। अच्छा। प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। अच्छा। जो आप देखने जा रहे हैं ये प्रोडक्ट जो है सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। वैसे तो प्रोडक्ट तो बहुत सारे हर्बल आप बाजारों में देखते हैं, लेकिन कुछ मायनों में ये थोड़े बेहतर हैं दूसरों से। एक तो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक होने के कारण है। और शायद आपको पता होगा कि आज जिस फार्म पे आप गए थे वो भारत का पहला सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म है, जो 1997-98 में अप्लाई किया गया था। तब सर्टिफाइड ऑर्गेनिक की अवधारणा बहुत नई थी। ऑर्गेनिक का भी थोड़ा ही बहुत जिक्र होता था और सर्टिफाइड ऑर्गेनिक तो बहुत नई अवधारणा थी। तो आज आप भारत के सबसे पहले
सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म पे गए थे जड़ी बूटियों के, और विदेशों में यदि हम यूरोप में या अमेरिका में हर्बल प्रोडक्ट बेचना चाहें तो वहाँ हमें आवश्यकता होती है कि सर्टिफाइड ऑर्गेनिक हो। जंगल से इकट्ठा की हुई जड़ी बूटियों को कई देश लेने से इनकार करते हैं, इंपोर्ट करने से इनकार करते हैं, क्योंकि जंगल आने वाली पीढ़ी का है। तो जंगल आने वाली पीढ़ी के लिए है, जंगल में जंगल की जड़ी बूटियों को नोच के उनका शोषण करके दोहन करके अगर प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसा कि भारत में ज़्यादातर होता है, तो उसे एक्सपोर्ट करना कठिन होता है। ये जो आप सारे प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये यहाँ पे ही हम और हमारे साथ जुड़े हुए जो आदिवासी परिवार के किसान हैं उनके द्वारा उगाए हैं। जैसे आप मूसली है, मूसली के प्रोडक्ट हैं, हर्बल चाय है। अच्छा, इसकी खासियत क्या है मैं बताऊँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मूसली अमृत, तो ये अगर मूसली अमृत देखेंगे तो ये होलोग्राम देख रहे हैं, ये सर्टिफिकेशंस हैं, ये वो चाबियां हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के ताले खोलती हैं। अच्छा, बिना इन सर्टिफिकेशन के वहां नहीं जाएगा, क्योंकि कोई चीज अगर वो खा रहे हैं तो गुणवत्ता उसकी सही होनी चाहिए, वो सुनिश्चित करेंगे। और वो सर्टिफिकेशन की एजेंसीज हैं। अच्छा, और ये इस तरह का चाइल्ड लॉक ढक्कन होना जरूरी है ताकि कोई बच्चा खोल के न खा सके, न खा सके जी, तो ये तभी आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। फिर इसके अंदर लॉक शील्ड के अंदर में जो कैप्सूल है, वो कैप्सूल भी प्योर और प्योर सर्टिफाइड है। भारत में जितना भी हम कैप्सूल खाते हैं, सभी कैप्सूल अधिकांशतः जिलेटिन के बने होते हैं, जो केमिकल सिंथेटिक होते हैं या हड्डियों से निकाले जाते हैं। लेकिन इसमें जो है, इसमें ऑर्गेनिक स्टार्च, मेथी दादा वगैरह के जो स्टार्च है, उसके स्टार्च से बना हुआ है। यानी ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, पैकेजिंग से लेके प्रोडक्ट कैप्सूल तक ऑर्गेनिक है। ये मूसली का पहली बार भारत में ऑर्गेनिक कैप्सूल पे हम लोगों ने इसे लॉन्च किया, और बायोडिग्रेडेबल पैकिंग भी। ओके सर जी, तो सर ये मैं समझना चाहूँगा कि मूसली की जो खेती है वो कैसे होती है, अगर कोई फार्मर उसको करना चाहे तो क्या बेनिफिट देगी फार्मर के नज़रिए से? देखिए, मूसली की खेती मेरा मानना है कि बहुत छोटे किसानों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें इंश्योरेंस वगैरह की सुविधा नहीं है। जिसके पास पर्याप्त पानी हो और जिसके पास लागत के लिए पैसा हो, वही लगाना चाहिए, या गवर्नमेंट अगर इसको बढ़ावा देगी तब इसकी खेती हो सकती है। छोटा किसान अगर लगाता है तो पहले खुद का बीज बनाए, क्योंकि इसका बीज काफ़ी महंगा होता है। वैसे खेती के दृष्टिकोण से कोई बहुत कठिन खेती नहीं है, 4 महीने की फसल है, और हम तो पिछले 25 वर्षों से इसकी खेती कर रहे हैं। हमने इसकी प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई है, और कैप्सूल भी बना रहे हैं, पाउडर भी है, गोल्डन मूसली इस तरह से है। ये जो मूसली की जड़ों को 2-3 सालों तक अगर हम नहीं खोदते हैं तो एक विशेष मूसली तैयार होती है, जिसे गोल्डन मूसली कहते हैं। वही मूसली सुनहली हो जाती है, इसके औषधीय गुण और अच्छे माने जाते हैं, तो कुछ देशों में इसकी भारी डिमांड है। ये मूसली गोल्ड आप देख रहे हैं। अच्छा, इसके औषधीय गुण बहुत बहुत अच्छे माने जाते हैं। ओके सर जी, ये क्या प्राइस में जाता होगा सर? ये विदेशों में अलग प्राइस होता है, देश में अलग रहता है। देश में हम सोचते हैं कि हमारे देश का आम आदमी भी इसे इस्तेमाल ले सके। हाँ। तो ये लगभग 15 से 20 दिनों का पैक है, 20 दिनों तक है, और लगभग 350 रुपये का है। यानी 8-10 रुपये में एक आदमी, जैसे कि चाय पीते हैं या पान खाते हैं, उतने में इसको अगर लेता है तो बहुत सारे जो हमारी बीमारियां हैं, विशेषकर कोरोना में हम देख रहे हैं कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम हो जाती है, और कोरोना के बाद ताकत की बड़ी कमी होती है। तो वहाँ ऐसी स्थिति में सफ़ेद मूसली हजारों साल से हमारे को रिजुनुएट करने में, फिर से हमारी ताकत को रिजुनुएट करके स्टेमिना देने में, सारे ऑर्गन्स को, सारे ऑर्गन यानी फेफड़ा, किडनी और लीवर, हार्ट, ये सारे हमारे जो अंग है, प्रत्यंग है। हाँ। इनको फिर से अच्छा ताकतवर बनाने हाँ, में जी, या आम भाषा में कहूँ तो जवान बनाने में, यूँ कर सकते हैं कि उम्र का दुष्प्रभाव हो या बीमारी का दुष्प्रभाव उसको खत्म करने में जी, तो रिजुनेट करती है। मौत का तो इलाज नहीं है, नहीं है, लेकिन वास्तव में ये आपके अशक्तता को, हर तरह की अशक्तता को दूर करती है। हाँ। और ये बच्चे, बूढ़े, नौजवान, शरीर के पुर्जों की सर्विसिंग कर देती है। हाँ, ये एक अच्छा शब्द बोल सकते हैं, है ना जी, ये कह सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा सर, ये एक चीज और मैं समझना चाहूंगा, ये सफेद मूसली को लेके लोगों में जिज्ञासा इतनी क्यों है?
देखिए, सफ़ेद मूसली वास्तव में आयुर्वेद का वरदान है। लेकिन सफ़ेद मूसली एक महंगी वनौषधि है और सफ़ेद मूसली की करीब 16 प्रजातियां पाई जाती हैं। उन 15 प्रजातियों का कोई व्यावसायिक मान नहीं है, केवल एक प्रजाति है जो एक्सपोर्ट या दवाइयों में बहुत ज़्यादा उपयोग होती है, वो है क्लोरोफाइटम बोरिविलिनियम। ये कारण है, और हमारे देश में आप जानते हैं कि मिलावट का बाज़ार है, तो ये जो बाकी 16-15 वेराइटी हैं वो प्रायः मिलावट में आती हैं। अच्छा। तो इसलिए क्या है, सफ़ेद मूसली हर तरह से ताकत देती है, अच्छा है, लेकिन सही सफ़ेद मूसली कैसे मिले? तो नकली सिक्के ज़्यादा प्रचलन में हैं और नकली सिक्के असली को चलन से बाहर कर देते हैं। अच्छा। इसीलिए सफ़ेद मूसली चर्चित है, और अच्छा। सफ़ेद मूसली पूरे भारत में मेरा मानना है सबसे बेस्ट वेराइटी और सर्टिफाइड ऑर्गेनिक, अंतर्राष्ट्रीय जो जांच में भी प्रमाणित हुआ है। हाँ। और कि इसमें जो सेफोनिन सेफोजेनिन के परसेंटेज हैं वो जिनसेंग से भी ज़्यादा अच्छे हैं, जो हमने टेस्ट करवाया है, जो सफ़ेद मूसली बस्तर में उगा रहे हैं हम। ओके सर। जी, यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इस सफ़ेद मूसली की धाक है। ओके सर। अच्छा सर, दवाइयों के बारे में तो हम समझेंगे, लेकिन आपसे एक पर्सनली सवाल है, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि हमारे चैनल से छत्तीसगढ़ के जो जवान हैं वो प्रेरणा ले सके, तो आप खेती में कैसे आए? देखिए, मैं चूँकि छत्तीसगढ़ का ही हूँ, बस्तर का हूँ, और मैंने देखा कि यहाँ पे जब हम बच्चे थे तब हमारा बस्तर बहुत शांत था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे कई इस तरह की अराजकताएँ फैलने लगी। युवाओं के लिए मुझे लगा कि रोज़गार ज़रूरी है, और यहाँ के वनवासी जंगलों के ऊपर आश्रित रहते थे, जंगल कटते गए तो उन्हें रोज़गार जो मिले, खेती की ओर बहुत ज़्यादा रुझान इनका नहीं होता था, क्योंकि वनवासी जो है खेती करने वाली जातियाँ नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लगा कोई ऐसी खेती इनको दिया जाए जिससे परिचित हैं, जंगल नुमा, तो जड़ी बूटियों की खेती जंगल नुमा खेती में आती है, जिससे ये हजारों साल से उसके साथ जीते रहे हैं। तो मैंने कोशिश की कि एक ऐसी खेती जो इनको लाभ भी दे और जिसमें बहुत ज़्यादा जहमत भी ना हो, और जिससे प्रकृति की भी रक्षा हो और जड़ी बूटियों की संरक्षण भी हो, तो ये चारों, स्वास्थ्य भी हो, संरक्षण भी हो, स्वरोजगार भी हो युवाओं के लिए। तो ये सोच के मैंने अपनी नौकरी छोड़ी और एक छोटा सा प्रकल्प चालू किया, और धीरे धीरे लोगों को समझने में करीब 20-25 साल लगे, समझने में और समझाने में। अच्छा जी, लेकिन आज हम बोल सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे गांव हैं, जैसे कि काटा गांव है, पलना है, सलना है, विश्रामपुरी है, रांधना के आसपास है, बहुत सारे गांव ऐसे हैं, हमारे यहाँ संबलपुर है, जहाँ की किसान हम लोगों के साथ जुड़ के इनकी छोटे छोटे पैमानों पे खेती कर रहे हैं, और हम सब कोई मिलके साथ में इस तरह के प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं। ये पूरे किसान समूह के ही प्रोडक्ट्स हैं ये। ओके सर जी। और सर, महिला समूह में कितनी महिलाएं जुड़ी होंगी आप? मैंने जो 400 बताया तो 70% महिलाएं हर प्रकल्प में। अच्छा। छत्तीसगढ़ की खेती अगर आप उठा के देखें तो हर प्रकल्प में महिलाओं का बड़ा योगदान है, लगाने से लेके खेती में, प्लांटेशन से लेके उसको साफ करके छीलने सुखाने तक, हर चीज़ में। ओके सर जी। और सर, और आगे सर, ये आयुष पाथ हमने बनाया है जो कोरोना से इम्यून पावर इन्हेंस करता है और कोरोना से बचाने में मदद करता है। ओके। और ये आयुष मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार ही बना। अच्छा, है भारत सरकार ने जो निर्देश दिए हैं उसी के तहत बनाया गया है, और ये इसको अगर पीते हैं, काढ़ा पीते हैं, तो इससे हमें कोरोना और अन्य बहुत सारी बीमारियों से बचाव मिलता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ता जी है। और इसकी खासियत है कि सारा का सारा इसमें जो चीज़ें पड़ी है, चाहे दालचीनी है, चाहे इसमें तुलसी है, काली मिर्च है, ये सब बस्तर में ही उगाया गया है। अच्छा। और सभी प्रोडक्ट सर माँ दंतेश्वरी हर्बल जी नाम से ही है। जी, माँ दंतेश्वरी क्योंकि यहाँ की अधिष्ठात्री देवी है, कुल देवी है जी, बस्तर जी, और हम लोगों ने उन्हीं के नाम पे किया है। Okay, और उनकी कृपा भी रही है, बस्तर की मिट्टी का ही प्रताप है। ये वो चाय है जो यूरोप में भी काफ़ी लोकप्रिय है। हाँ सर। ये वो चाय है जो यूरोप के अनुसार 80 मग बनता है, यहाँ के हिसाब से 200 कप बनेगा। हाँ, अच्छा। और इसका कीमत केवल हमने रखा था 190 रुपया। अच्छा। क्यों, इसमें हमने सोचा कि करीब 12 से ज़्यादा बीमारियों से बचाती है, और 90 पैसे कप चाय बनती है, 90 पैसा, और बिना शक्कर के मीठी भी रहती है। डायबिटीज एक हफ्ते के अंदर आपका कंट्रोल करती है। ओके सर। जब बहुत ज़्यादा ना हो तो एक हफ्ते के अंदर कंट्रोल कर लेती है।
हार्ट की बीमारी में भी यदि आदमी को छोटे मोटे ब्लॉकेज है वहाँ भी मदद करती है। ओके सर। और डायबिटीज के अलावा आपका जो सर्दी जुखाम है, खांसी है, वो सब में आपको तत्काल आराम करेगी। ब्लड प्रेशर में भी जिस तरह से जीभ में नीचे दवाई रखते हैं तो तत्काल आराम होता है, वैसे इसकी चाय पीते ही तत्काल आपको आराम मिलेगा। और इसका कीमत जानबूझ के कम रखा गया कि गरीब से गरीब आदमी एक रुपए में भी एक चाय पी ले और जितने भी असाध्य रोग हैं उससे बचे, क्योंकि जीवन में 5 से 6 लाख रुपया तो ऐसे ही इलाज पे हर आदमी को खर्चा करना पड़ता है, तो मुझे लगा ये बचत होगी। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा मैं इंडिया में नहीं बेच पाया। अच्छा। 90 पैसे कप चाय जिसमें शक्कर का भी खर्चा बच रहा है, डायबिटीज का आदमी भी इसको पी सकता है और 12 बीमारियां दूर करता है, मैं नहीं बेच पाया। जो हमारे यहाँ की जो मार्केट है वो पब्लिसिटी से, एडवर्टाइजमेंट से, न्यूज़पेपर में छपेगा, अमिताभ बच्चन जी बड़े बड़े मतलब सेलिब्रिटी अगर उसका प्रचार करेंगे तब चाय गुटखा का करें। हाँ, अभी तो, कई हीरो गुटखा का करते हैं। हाँ, जी हाँ, क्योंकि बहुत मोटा पैसा है, हम लोग पास वो मसल नहीं है। हम लोग बस्तर के छोटे छोटे किसानों के साथ मिलकर कर रहे हैं तो हम नहीं कर पाए, लेकिन हमें फायदा मिला डिजिटल मीडिया का। अच्छा। हमने सोशल मीडिया के जरिए, हमको ढूंढते ढूंढते जर्मन की कंपनी आई और उन्होंने हमसे टाई अप किया। अब वहाँ 2 कंपनियां हैं जो ऑनलाइन बेचती हैं, उनको हम देते हैं और वो इसी को जो हम 200 में नहीं बेच पाए वो 1200 में बेच रहे हैं। अच्छा। 1200 हिंदुस्तान में जो सब 200 में मैं नहीं बेच पाया। अच्छा। मैं अपनी असफलता स्वीकार करता हूँ। अच्छा। तो मार्केटिंग में छोटे किसानों का प्रोडक्ट जो है उनको उनका सही रेट नहीं मिलता, यही दिक्कत है। तो मैंने देखा कि अब ग्लोबल मार्केट है और सोशल मीडिया के जरिए, जैसे मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आप उतना दूर से चल के आए हैं और आपने इन चीज़ों को पहले खेतों पे जाके खेती को समझा, प्रोडक्ट को समझा, फिर उसके बाद आप प्रोडक्ट पे आए हैं। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वालिटी को लेके कोरोना ने हमको सिखा दिया है कि हमको क्वालिटी देखना है, चमक दमक केवल न देखें, डब्बे के अंदर माल क्या मिल रहा है और कहाँ से आ रहा है। तो ये जो सर्टिफिकेट्स हैं, ये ब्यूरो वेरिटास सर्टिफिकेट था पहले हमारा, अभी GMP है, ऑर्गेनिक इंडिया है, USDA है, ये सारे सर्टिफिकेट हैं ऑर्गेनिक के। ओके सर। सर, हम बाकी दवाइयों को तो समझेंगे लेकिन आपके एक्सपीरियंस का फ़ायदा हम व्यूअर के लिए उठाते हैं कि सर, जैसे हम देखते हैं कई जगह पे कि पपीते ये लगा लो, नारियल लगा लो, वो लगा लो, ऐसी भी कंपनियां हैं जो लाखों लाखों के सपने दिखाते हैं कि बड़े रईस बन जाएंगे एक दिन में, तो ऐसा एक्चुअल पे होता है कि क्या है? आप इतने साल से खेती कर रहे हैं, ये भी हम समझना चाहते हैं। और सर जी, मेरी सफलता की कहानी तो सामने आ रही है लेकिन इसके पीछे मेरी ढेर सारी असफलताएँ भी रही हैं, उनसे मैं चाहूँगा किसान सीखें। ये जो मूसली आप देख रहे हैं, सबसे पहले मूसली में ही मैंने लंबा घाटा उठाया, हमारी ज़मीनें नीलाम होने की स्थिति में आ गई। अच्छा। ज़मीनें नीलाम भी हुई, इतना घाटा हुआ क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हुआ और रेट आधा हो गया। हाँ। तो क्या करेगा किसान, बर्बाद हो जाएगा। वैसे ही जो बड़ी बड़ी कंपनियां जितना यूट्यूब में भरमार है, चंदन लगा लो करोड़ों कमा लो, स्टीविया लगा लो इतना कमा लीजिए, ड्रैगन फ्रूट लगा लीजिए करोड़ों कमा लीजिए, वास्तव में ये ज़्यादातर कंपनियां केवल बीज और पौधा बेचना चाहती हैं और मार्केटिंग में कोई हेल्प नहीं करती, और उनके जो दावे होते हैं वो यथार्थ से परे होते हैं, केवल आकर्षक करने के लिए आकर्षक हेडिंग करती हैं। मैंने आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने हमेशा यथार्थ को सामने रखा। मैं हमेशा कहूँगा कि किसान जो है, कोई अगर नई खेती करना चाहते हैं, कोई युवा आना चाहते हैं, तो केवल यूट्यूब के भरोसे न जाएं, जिस तरह से आप पहले खेतों पे आए, खेतों पे भी जाके उस चीज़ को देखें और मार्केटिंग को ज़रूर समझें कि वास्तव में कहाँ बिकेगा ये। चंदन अगर लगा रहे हैं तो अच्छी चीज़ है, पेड़ लगा लो कुछ भी बुरा नहीं है, पपीता लगा रहे हैं तो कुछ भी बुरा नहीं, लेकिन देखें कि पपीते में जो समस्या अगर आती है तो कैसे उसका निदान करेंगे आप, फंगस की भी बीमारी आती है कैसे निदान करेंगे, पूरा खत्म हो जाएगा। जिस तरह के पेड़ पौधों में वो लोग कहते हैं, जैसे इमली है, ग्राफ्टेड इमली 16-17 साल पहले हमने लगाया। हाँ। बेंगलोर से एक कंपनी आई, उसने ग्राफ्टेड उस समय उसने 300 रुपया लगाया था और बहुत अच्छे फोटो दिखाए कि भाई इतने बड़े पेड़ में इमलियाँ लटक रही हैं। हमने लगाया, 3 साल में फलेगा बताया था उन्होंने। हाँ। वो अभी 15-16 साल हो गए हैं, अभी भी कईयों में फल नहीं आए। यही हाल है, एक डॉर्फ वेराइटी का नारियल भी बेचा उन्होंने, वो भी करीब 2-2.5 लाख रुपए का पेड़ बेच के हमको गए। उन्होंने भी कहा था एक पेड़ में 400-500 आएंगे नारियल, क्योंकि यहाँ कोकोनट बोर्ड है, तो हमने सोचा हाँ यहाँ तो यहाँ की जलवायु में होगा, हुआ। लेकिन 12-13 साल लग गए और 400 पौध तो अभी भी नहीं लग रहे हैं। अच्छा। तो
इसी तरह से मिलिया डोबिया एक है, इसको लगा लीजिए, बड़ा फायदा है। बेम्बू में लगाना तो सरल है, मेरे पास कम से कम 10 गाड़ी है, मैं तो बता रहा हूँ 10 गाड़ी हमारा बांस तैयार है। 3 साल से हम मार्केट ढूंढ रहे हैं कि कोई इसको काट के ले जाए, इसको काट के हम कहाँ लेके जाएंगे, जहाँ भी लेके जाते हैं वो यहाँ के भाड़ा वगैरह काटने के बाद हमको कुछ नहीं बचता है। वही हाल नीलगिरी में है, नीलगिरी में हमने लगाया है करीब 16 एकड़ लगाया हुआ है घोड़ा गाँव में। पहले जब हम आज से 12-13 साल पहले बेचे तो 3200 रुपया टन बेचे, अभी 2700 रुपया 12 साल बाद रेट और हाँ, जबकि उससे बनने वाला कागज का कीमत डबल हो गया, प्लाईवुड की कीमत ट्रिपल हो गई, लेकिन रॉ मटेरियल की कीमत और घटा दिए। तो ये जो क्या है कि किसानों को लगाने के पहले समझना चाहिए कि मार्केट में सच में क्या जो वादे हैं कंपनियां बता रही हैं, सब्ज बाग दिखा रही हैं, क्या सच में पूरा होगा, सच में किसान को फायदा होगा या नहीं। क्योंकि किसान एक बार अगर धोखा खा जाता है तो दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो नए प्रोजेक्ट जब भी करें तो सोच समझ ही करें, सफल किसानों से जरूर चर्चा करें, और सफल किसानों से भी मैं अपील करूंगा कि अपने सफलता के गुर को बांटें। हमारे यहाँ कोई बताता नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ कोई बताता नहीं सर, एकदम परफेक्ट बोले। छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल कोई नहीं बताता है। हाँ, ये परफेक्ट बोले। अच्छा सर, ये तो है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ कोई नहीं बताता, दूसरा सीख जाएगा करके, जबकि वो सीख जाएगा तो एक नया बाजार खड़ा होगा, लोग हमारे यहाँ आएंगे, लेकिन वो नहीं बताते। अच्छा सर, मैं तो आपसे उम्र में कम हूँ, छोटा हूँ, तो मेरा एक ही कहना था सर, जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके आपके सामने आता है किसानों के पास, 5000 पेड़ का लाया, तो आप कम से कम 10 लगा के छोटे से एरिया पे डेमो देख लें उसका, तो कैसा रहे उसके बाद करें। देखिए, डेमो के लिए यहाँ पे ऑलरेडी मैं बताऊंगा कि यहाँ पे माखड़ी विकास खंड में, विश्रामपुरी विकास खंड में, कोंडागांव विकास खंड में कई किसान जो है पिछले 8-10 सालों में लगा चुके हैं। जैसे मैं छोटे किसानों को यहाँ कहता हूँ कि आपके घर के बाड़ी के किनारे किनारे अंदर में जो भी कर रहे हो करते रहो, खेती बंद मत करो, साथ में ये नई फसलों को भी करो। तो कई किसानों ने थोड़े थोड़े कोई 20 लगाया, कोई 25 लगाया, तो ऐसे कई किसान हैं जो 20-25 पेड़ लगा के भी आज उससे 15,000-20,000 रुपया साल में पैदा कर रहे हैं, छोटे स्तर से कर रहे हैं, चालू कर ले जी, जब सक्सेस हो जाए तो बड़ा करते रहे। हाँ, ऑलरेडी कर रहे हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे सफल मॉडल हैं। मैं चाहूंगा कि इन किसानों के यहाँ भी लोग जाएं और देखें। जैसे रोज पेपर पे छप रहा है कि पपीते से फला ने इतना कमाया, पपीते से फला ने इतना कमाया, या सीताफल से इतना कमाया, सीताफल, उस सीताफल को लाओ, लगा के देख लो पहले साल भर, उसके बाद बड़ा लगा लेना, बड़े स्केल पे, पता चला पेपर पढ़ के 10 एकड़ पे लगा दिए। हाँ, मेरे ख्याल से उसका इकोनॉमिक वायबिलिटी और आर्थिक व्यवहारता के साथ में सच में जमीन में कितने सफल हो पाएगा, इसका सही आकलन करके ही लगाना चाहिए छोटे स्तर पे कर लो, देख लो। और कुछ है सर इसमें? हाँ, ये जैसे त्रिफला है, त्रिफला तो बहुत जगह मिलता है, लेकिन ये सर्टिफाइड ऑर्गेनिक त्रिफला है, क्योंकि इसको तैयार करने के लिए आंवला, हर्रा, बहेड़ा तीनों के पेड़ लगाने पड़ते हैं। अच्छा। तो हमने एक त्रिफला वन छोटा सा तैयार किया है। अच्छा। और इसको तैयार करने में 16 साल लगे। अच्छा। क्योंकि ये इसकी हर्रा बहेड़ा का कोई हाइब्रिड वैरायटी नहीं है। हाँ। ये 15-16 साल बाद ही फलेगा। हाँ। तो अगर ऑर्गेनिक आपको तैयार करना है। हाँ। और जंगल से नहीं इकट्ठा करना है तो आपको 16 साल लगता है, लेकिन ये बहुत काम करता है, जितनी भी शरीर में व्याधियां हैं सबको दूर करता है, माना जाता है त्रिफला मतलब अमृत है। अच्छा, वैसे ही ये त्रिकटू है, ये आयुर्वेद का एंटीबायोटिक है। अच्छा, आयुर्वेद का। ओके सर। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं। माँ दंतेश्वरी हर्बल बनाती है। ये त्रिफला कितने का होगा सर, क्या प्राइस का हो? ये प्राइस उसका कुछ खास नहीं है, 150 के आसपास का है। ओके, एक महीने का है। एक महीने का है। एक महीने के आसपास का है। और पैकिंग बड़ी शानदार है। जितनी भी पैकिंग देख रहे हैं आप, बहुत शानदार पैकिंग है, ये सब गजब की पैकिंग है, और एयर लॉक्ड पैकिंग है सारी। और कुछ बचा है सर? ये पावर ऑन है। हाँ, ये जो हम लोग लगातार रासायनिक खाद, रासायनिक दवाई वाले भोजन करते हैं। हाँ। तो ये बहुत सारे जो हमारे टॉक्सिन शरीर में इकट्ठा हो जाते हैं उनको निकाल के हमारे पावर को, शक्ति को फिर से ऑन करती है। हाँ। जैसे पावर ऑन, तो ये जो है जैसे मूसली के अलावा भी इसमें कई चीज़ें मिली है, 5 और चीज़ें। हाँ। तो ये बेहतरीन एक पावर बूस्टर है और फूड सप्लीमेंट है, ये कोई दवाइयाँ नहीं है। दवाइयाँ नहीं है, जिस तरह आप चटनी, अचार वगैरह खाते हैं तो उसी तरह से, जो कि पेड़ पौधे से बनी हुई है और मात्रा इनकी इतनी
संतुलित रखी गई है कि कोई भी आदमी इसको आराम से खा के फायदा उठा सकता है। अच्छा सर, एक सामाजिक बात हम आखिरी पे करते जाते हैं जी। देखिए सर, देश पे ऐसे बहुत कम जगह है जहाँ पे आदमी सोचता हो ये पहाड़ बच जाए, ये जंगल बच जाए, ये नदी बच जाए, लेकिन बस्तर का हर आदमी सोचता है कि जंगल बचे, नदी बचे, पहाड़ बचे। तो सर इसमें क्या मैसेज देना चाहेंगे देश को कि हमारे पहाड़ रहें, जंगल रहें, नदियाँ रहें? देखिए, जो वनभूमि पट्टा दिया जाता है, जो जंगल काट रहे हैं उनको राजनीतिक पार्टियां पट्टा दे रही हैं। उसके कारण हमारे बस्तर के जंगल बहुत तेजी से कटे हैं। उस लालच में मेरा मानना है कि बस्तर के जो जंगल हैं अद्वितीय हैं, जड़ी बूटियों के भंडार रहे हैं, जीव जंतुओं के भंडार रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी के, जैव विविधता के भंडार रहे हैं, और उनको बचाया जाना बेहद जरूरी है। तो जो आप आज काली मिर्च आप देखिए, वो इसीलिए लगाया गया है कि वो साल के पेड़ों पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो अगर साल के पेड़ों पर हम लगा देंगे तो लोग उसे काटेंगे नहीं, क्योंकि एक पेड़ से अगर उनको 1,000-2,000 रुपया 4,000 का काली मिर्च मिलने लगेगा तो 200-400 रुपये में उसका लकड़ी काट के नहीं बेचेंगे। तो जंगल बचेंगे, तो जंगल बचना चाहिए, पहाड़ बचने चाहिए, झरने बचने चाहिए, धरती जो है वो जहरीली नहीं होना चाहिए, तभी आने वाली पीढ़ियाँ स्वस्थ रहेंगी। नहीं तो वरना आने वाली पीढ़ियाँ हमें माफ़ नहीं करेंगी कि हमने सब चीज़ों में जहर घोल दिया, जंगल ख़त्म कर दिए, और ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए जिस तरह हम तरस रहे थे, ये ऑक्सीजन आता कहाँ से? पेड़ों से आता है। फैक्ट्रियों को भी कहाँ से मिलेगा अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो? वायुमंडल में भी कहाँ से आएगा? ये सतत प्रक्रिया चलते रहनी चाहिए। ऑक्सीजन नाइट्रोजन का जो चक्र है वो चलते रहना चाहिए, इसके लिए जंगल जरूरी है, पेड़ जरूरी है। तो मैं यही कहूँगा कि चाहे उद्योगपति हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे किसान हों, हर एक के पास जहाँ भी संभव है वो पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि जिस दिन से आप पैदा होते हैं तब से आप केवल वनस्पति पे ही आश्रित हैं। जो दूध पीते हैं वो भी गाय वनस्पति खा के देती है, कपड़ा जो पहनते हैं कपास भी वनस्पति से आता है, सब कुछ जो आप हासिल किए हैं सब पेड़ पौधों से हासिल किए हैं। तो पेड़ तो लगाना ही पड़ेगा। हाँ, चयन ऐसा करें जिससे आपको प्रॉफिट भी हो और सस्टेनेबिलिटी भी हो, टिकाऊ विकास भी हो, जलवायु भी सही बने रहे और प्रॉफिट भी मिले आपको, और दूसरों को रोजगार भी मिले, दूसरे को भी रोजगार मिले। यानी कबीर दास जी वाली बात, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधन भूखा। कबीर जी से बड़ा तो कोई दार्शनिक हुआ ही नहीं। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं, और जो मैंने पढ़ा दुआ इसी पे बस्तर चलता है, बस्तर की लाइन ही यही है, बस्तर सोचता ही वही है, और सब चाहता है कि सब बराबर रहे, बस्तर यही बोलता है। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर बस्तर विकास की भाषा हमारे चैनल पर बोल रहा है, और ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर।